हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। बीते हफ्ते ही दीपिका पादुकोण को फिल्म मेकर और डायरेक्टर लवरंजन के घर के बाहर देखा गया था। इस दौरान दीपिका के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर भी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही ये फोटो सामने आई, दीपिका के फैंस को तगड़ा झटका लगा। दरअसल कुछ महीने पहले ही लवरंजन का नाम मी टू मूवमेंट के तहत सामने आया था। एक महिला ने लवरंजन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। ऐसे में फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि दीपिका लवरंजन की अगली फिल्म के सिलसिले में ही उनसे मिलने पहुंची हैं। सोशल मीडिया पर ही लोग दीपिका पादुकोण को खूब खरी खोटी सुनाने में लगे हैं। आखिर वो ऐसे शख्स के साथ कैसे काम कर सकती हैं? बताते चलें कि रणबीर लवरंजन की अगली फिल्म में नजर आएंगे और इस फिल्म में अजय देवगन भी अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बीते कुछ महीनों से हर किसी की नजर इसी बात पर बनी हुई है कि आखिर इस फिल्म में हीरोइन कौन होगी। इस बीच रणबीर कपूर को उनकी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट के साथ लवरंजन के घर के बाहर देखा गया। इन फोटोज के सामने आते ही ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा था कि रणबीर, अजय स्टारर इस फिल्म में आलिया भट्ट की एंट्री हो सकती है। खैर, इस फिल्म में आलिया हो या ना हो, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि दीपिका इस फिल्म का हिस्सा तो नहीं बनने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद ये बात दीपिका ने कबूल की है। जी हाँ, हाल ही में वोग मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दीपिका ने कबूल किया है कि वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगी। दीपिका ने इस फिल्म का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी ऐसे शख्स के साथ काम करेंगी जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंसा हो, ये सवाल सुनते ही दीपिका ने कहा, नहीं, मैं ऐसे किसी भी शख्स के साथ काम नहीं करूंगी। खैर, दीपिका के इस जवाब से तो साफ हो गया है कि वो लवरंजन की फिल्म में तो नहीं काम करने वाली। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो, गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।